तो आज का सवाल है कि हम लोग मोटो ब्लॉगिंग में क्या बोलें। बस बेसिकली यही सवाल है कि हम लोग मोटो ब्लॉगिंग में बोले क्या। हम लोग बाइक चला रहे हैं, बस चला रहे चला रहे चला रहे, ये मायने नहीं रखता कि आप लोग सिर्फ चला रहे हैं। तो वो नहीं, व्यूवर जो वो नहीं देखती है कि आप क्या चला रहे हैं, कौन सी बाइक है आपके पास, व्यू नहीं देखती है, आपकी कंटेंट देखती है कि आप बोल क्या रहे हैं। आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपका कंटेंट बढ़ेगा, आपका आइडियाज़ बढ़ेंगे, आपकी व्यूअर बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अब बोलिए, सबसे पहले आप मोटो ब्लॉगिंग बोलना सीखिए। कि आज हम लोग इसी टॉपिक पे लेके आ चुके हैं, क्या मोटो ब्लॉगिंग में बोले क्या, बोलें क्या, क्या बोले, कैसे बोले, क्यों बोले। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, बेसिकली दो से तीन टाइप की मोटो ब्लॉगिंग होती है। तो पहला तो मोटो पहला टाइप है कि टॉपिकली टॉपिकली मोटो ब्लॉगिंग, जैसे अभी हम कर रहे हैं कि मोटो ब्लॉगिंग में क्या बोले, ये टॉपिक, किसी टॉपिक पे बात करना, किसी टॉपिक पे दूसरे को बताना, किसी टॉपिक पे आइडिया देना, किसी टॉपिक पे अपनी राय देना, उसको कहते हैं टॉपिक वाली मोटो ब्लॉगिंग। दूसरी हो गई हमारे हिसाब से, दूसरी हो गई राइडिंग, जैसे कहीं जा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसको कहते हैं वो बस राइडिंग वाली, कि हम लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उसके बीच में जो भी पड़े, जो चीज़ पड़े, जो किसी चीज़, कोई तो कुछ पड़ेगा ना। आप मान लीजिए मैं अभी बिहार के मधुबनी में रहता हूँ, मधुबनी सिटी में, अगर मधुबनी सिटी से मैं जयनगर जा रहा हूँ या दरभंगा जा रहा हूँ, तो दरभंगा जाने के बीच में बहुत सारी चीज़ पड़ती है। पड़ता है बीच में, हवाई हवाई अड्डा पड़ गया, ये सब पड़ गया, तो वो सब के बारे में बताना आपको कि क्या है, कैसे है, बीच में क्या कुछ। राइडिंग में फ्रॉड में क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है क्या कौन सी चीज़, हमारे बस इतना पता होता है कि हम यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, बस इतना ही पता होता है। उसके बाद आगे का कुछ पता नहीं होता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, बस ये पता है जा रहे हैं, बस ये पता है, बीच की कुछ नहीं पता है। इसलिए हम लोग मोटो ब्लॉगिंग का स्क्रिप्ट, मैं बार बार कहता हूँ कि मोटो ब्लॉगिंग स्क्रिप्ट बाइज नहीं हो सकती है। कि आप कहीं पर नोट कर लिए, लिख लिए, रिस कर लिए, तो आप मोटो ब्लॉगिंग की बस वहाँ बोल लिए। क्योंकि ऐसा होगा ना कि अगर आप लिख के चले गए, मान लीजिए आप स्क्रिप्ट बना लिए, आप कंटेंट अपने बना लिए, लिख लिए कहीं पे, याद कर लिए, रट्टू रट्टू तोता की तरह याद कर लिए आप अपने, कि ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। बट आप मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट किए, हॉर्न दिए, स्टार्ट किए, बस आप गिर गए, मान लीजिए गिर गए, तो आप वहाँ पे क्या बताइएगा कि जो स्क्रिप्ट में लिखा था वो बोलिएगा, या फिर आप जा रहे हैं, जाते 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 बीच में कुछ आ गया, कुछ अनोखा चीज़ आपने देख लिया, जैसे कोई ड्रामा नहीं लगा था रोड पे, रोड साइड पे, तो वो देख लिया, तो आप क्या स्क्रिप्ट वाला बात बोलिएगा, या वो बोलिएगा, वो बोलिएगा। अगर आप बीच में वो बोले तो वो पिछला बात जो था स्क्रिप्ट वाला वो बोलिएगा, तो आपका वहीं पर मोटो स्क्रिप्ट मोटो ब्लॉग खत्म। तो इसलिए स्क्रिप्ट मोटो ब्लॉग नहीं होता है, स्क्रिप्ट नहीं बना सकते,